हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पाणी फ्रॉम mita.com और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से रिलेटेड मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं। उसमें मैंने न्यूट्रिशन के बारे में और आपके प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें नाइट्रोजन और उसको कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, एवरीथिंग मैंने lecture 3 तक सब कुछ प्लांट से रिलेटेड डिस्कस कर दिया है। नाउ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेप्रोट्रॉप्स। सो सेप्रोट्रॉप्स मीन्स होता है आपका मृतपोषी, मीन्स वो होते हैं जो कि किसी आपके वेस्ट मटेरियल्स या डिकेइंग थिंग्स हो गए, ठीक है, उनके ऊपर ग्रो करके डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर सेप्रोट्रॉप्स। मीन्स मृतपोषी मतलब जो किसी डेड सेल्स पे अपने ऊपर डेड सेल पर ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ आपका सेप्रोट्रॉप्स। सो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया और जो डीप जो नॉलेज है हम लोग इसको रीड करेंगे एंड समझेंगे, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप्स स्टार्ट करते हैं अपना सेप्रोट्रॉप्स जो आज का टॉपिक है, दैट इज़ यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। मीन्स आपने मशरूम्स के पैकेट्स देखे होंगे, ठीक है, जो सोल्ड होते हैं उनको आपने मशरूम्स के पैकेट देखा होगा, आपने घर में खाया भी होगा, या अगर तो आप नहीं खाते होगे तो आपने अनदर किसी पर्सन को देखा होगा। सो यू मे हैव आल्सो सीन फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग इन रेनी सीजन्स। तो आपने अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर उसका एक देखा होगा कि आप मशरूम देखो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो मशरूम है। सो आपने उसका अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर देखा होगा और आपने ज़्यादातर उसे नोटिस किया होगा, तो वो आपको मॉइस्ट जो आपके सॉइल्स होते हैं और जो रोटिंग्स वुड होती हैं, मींस आपका ये मॉइस्ट सॉइल और रोटिंग वुड्स क्या कह रहा है कि इसका इन द सेंस ये है कि मॉइस्ट सॉइल्स मीन्स होता है कि जहाँ पर आपकी गीली या नमी मिट्टी हो, राइट, और जो आपका रोटिंग ये वुड्स है मीन्स ये ऐसी लकड़ियाँ आपकी ऐसी जो कि थोड़ी आपकी सड़ी लकड़ियाँ आप कह सकते हो, ठीक है, सड़ी हो, जो मीन्स बारिश के टाइम में गीली हुई हो, तो उसके ऊपर ये जो मशरूम्स होते हैं आपके वो ग्रो करते हैं, जो आपके कैसे होते हैं अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसके बारे में स्टार्टिंग में आपको बताया एग्जांपल देके, क्योंकि बिकॉज आपको सेप्रोट्रॉप्स से समझाने का मीन्स ही यही है कि फर्स्ट आपकी स्टार्टिंग मशरूम से ही करें ताकि वो आपको बेटर समझ में आए। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन है जो सर्वाइव कर रहे हैं और वो न्यूट्रिशन कहाँ से आ रहा है। सो आप ये फिगर 1.7 में देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही मशरूम के फिगर आपको दिखाए गए हैं। सो एक आपका पैकेट में है और एक आपका जहाँ पर वो ग्रो कर रहा है वो आपको वहाँ का एरिया दिखाया गया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये देख सकते हैं आप पैकेट में, ठीक है, तो इसमें आपका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर भी है। ये देखिए अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपका, तो मैं बना दूँ, ये आपका मशरूम है, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, और इसके नीचे आप सपोज लेट एज्यूम कर सकते हैं कि आपका क्या हो गया, मॉइस्ट लाइक एरिया हो गया आपका, राइट, जिसे आप मॉइस्ट सॉइल भी कहते हैं। सो मूविंग अहेड, जो हमारा था पिकेट ऑफ यहाँ पर पैकेट ऑफ मशरूम्स एंड अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, ठीक है, तो इसकी जो पिक्चर्स हैं आपको वो दिखाई गई हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर भूचो के मन में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, सो नाउ रीड एंड पुट आउट द कि इसके मन में क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, ठीक है। भूजो वॉन्ट्स टू नाउ हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिशन। तो भूजो ये जानना चाहता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये न्यूट्रिशन कहाँ से पा रहे हैं, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव अ माउथ लाइक एनिमल्स डू, तो एनिमल्स की तरह इनकी माउथ नहीं होता। सो दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। तो इनके पास प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल भी नहीं होता। पहले तो जब हम प्लांट्स के बारे में स्टार्टिंग कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में समझने से, तो उसमें भी हमें यही डाउट था कि हमें ये नहीं पता था कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं और कैसे न्यूट्रिशन गॉट इट कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे ही मशरूम के भी केस में है कि भूजो के मन में जैसे क्वेश्चन पुटअप हुआ, सेम वैसे ही आपके मन में भी क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा कि न्यूट्रिशन कहाँ से आ रहा है जो मशरूम का है। सो एक्टिविटी 1.2 आपकी स्टार्ट हो रही है किसकी, न्यूट्रिशन की जो है, न्यूट्रिशन की आपकी फाउंड आउट करने की कि ये जो है ये कहाँ से मिल रहा है मशरूम को।
सो लेट्स टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट वाटर. तो आप इसे क्या करो कि ब्रेड को लो, ठीक है, उसका पीस लो और इसे किसके वाटर के साथ क्या करो, मॉइस्चन करो. मीन्स उसको वाटर के साथ आप उसको मिलाकर रख दो और ये चीज़ आपको 2 से 3 डेज तक करना होगा. उसके बाद आपको कुछ उसमें चेंजेस नज़र आएगा. सो वो क्या होगा कि उसमें आप देखोगे कुछ पेचेस आपको अपेयर होंगे. सो वॉट इज़ द कलर ऑफ दिस पेचेस, तो आपको उस पेचेस को देखना है कि उसके कलर क्या हैं. और इसका फिगर भी आपको इसी में दिखाया है, ये देखिए, ये रहे आपके ब्रेड. सो इसको वाटर में बिल्कुल क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है. सो इसमें आप देख सकते हो ये कुछ पेचेस दिखा रहा है और उसका ये लार्ज व्यू भी है आपके पास, ठीक है. तो आप इसको देख सकते हो, इसके कलर को नोटिस कर सकते हो. तो ये पेचेस क्या है, ये पेचेस जो है ये ब्रेड से क्या कर रहा है, पूरा न्यूट्रिशन क्या कर रहा है, उससे निकाल ले रहा है, ठीक है. तो ये पेचेस एक्चुअली में ये पेचेस क्या है, हमारे फंगस है, ठीक है. सो ये जो आपने देखा, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है. तो आप कॉटन लाइक जो है थ्रेड स्प्रेड्स देखोगे और इस ब्रेड पे. तो दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड व्हाट, फंजाई, ठीक है. जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं आपके, फंजाई. सो दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स इनके जो है डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. जैसे कि अभी आपको एक ब्रेड का एग्जांपल देकर दिखाया, ये यहाँ पर कर रहे हैं. या फिर आप जैसे रात में आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, मम्मी कभी खाना बनाती है, या फिर आपने कभी ट्राई किया होगा कुछ, ठीक है, कहीं देखा होगा कि आपकी जैसे मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, यही आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, ये सिंपल है. तो जैसे रोटी बना रही है, ठीक है, आपका कुछ आटा बच गया, ठीक है, तो आप देखोगे सुबह उठ के कि उसमें हल्का हल्का सा फफूंदी टाइप का कुछ वाइट वाइट, ठीक है, रख उसमें लग जाता है. तो वो आपका क्या होता है, वो आपका क्या होता है, फंगस होता है, ठीक है. फफूंदी जैसे आप कहते हो इंग्लिश में कि फफूंदी, हिंदी में कहते हो कि फफूंदी लग गई है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंगी या फंगस कहते हैं. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इनके जो है डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, तो वो क्या है, ये जो है ब्रेड से न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर रहे हैं. बट ये सिर्फ ब्रेड के केस में ऐसा नहीं है, जितने भी आपके डिकेइंग मटेरियल हैं, जितने भी आपके कैसे आपके मॉइस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, तो उन मॉइस्ट सॉइल्स हैं, उन सब के ऊपर ये जो सेप्रोटाइप्स आपके जो होते हैं वो ऐसे ही न्यूट्रिशन गॉट इट करते हैं, राइट. सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फाइंड आउट करने का किसी भी डिकेइंग मटेरियल से या मॉइस्ट सॉइल से, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है. सो सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स. और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन गॉट इट करते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं. सो आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड फंजाई फंगस, ये भी आपका क्लियर होगा. सो फिर भी अगर जो आपको इसमें से कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो, राइट. सो फंजाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लीदर, क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड हमीन वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. तो फंजाई क्या करती है, वो पिकल्स पे हो गए, ठीक है, पिकल्स जो आपके अचार बनते हैं ना उस पर भी ग्रो करती है, लीदर पे, लीदर जो क्लॉथ होते हैं लेदर पे, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हमीड वाटर, हमीड वाटर जो होता है, राइट, उस पर और लॉन्ग टाइम तक ग्रो करती है, ठीक है. आप ज़्यादातर फंगस का ग्रो देख सकते हो रेनी सीजन में, रेनी सीजन में फंगस ज़्यादा ग्रो करती है. सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, तो क्या करती है, ग्रो करती है और बहुत सी चीज़ों को क्या करती है, स्पॉइल कर देती है, मीन्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय और नष्ट कर देती है, राइट. सो आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंजाई इन योर हाउस, तो आपके हाउस में जो फंजाई का जो स्पॉइल का रोल है ना, जो डिस्ट्रॉय का रोल है, वो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फंजाई क्या कर रही है, आपकी स्पॉइल कर रही है. सो द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, तो फंगल जो स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, तो जब वो किसी कौन से आपके वेट पे या वार्म थिंग्स पे जब आप उस पर जर्मिनेट करते हैं और तो वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है.
नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल. तो हम अब ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन सब चीज़ों से अपने अपने इन सब मिस फंगस से, ठीक है, इन सब चीज़ों से हम कैसे अपनी चीज़ों को स्पॉइल होने से बचा लें, राइट. उसके पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पहली का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है. पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल सूज विच वेयर वास ऑन स्पेशल ओकेजन वेयर स्पॉइल्ड बाई फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो पहले ये जानना चाहती है कि कैसे उसके जो है ये जो उसके वेदर जो सूज हैं वो कैसे एक स्पेशल ओकेजन पे फंगस लगने से कैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड सी वॉन्ट्स टू नाउ हाउ फंगाई अपेयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो कैसे जो है फंजाई जो है रेनी सीजन में कैसे सडनली अचानक दिखाई दे जाती है, ऐसा कैसे होता है. अब यहाँ पर भुजू का भी कुछ क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, राइट. सो भुजू सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज वीट फील्ड्स जो है मीन्स जो गेहूं का जो फसल होता है उन्हें वीट कहते हैं. सो वेयर स्पॉइल्ड बाई अ फंगस. तो वो भी जो है फंगस के लगने से कैसे स्पॉइल हो जा रहे हैं. सो ही वॉन्ट्स टू नाउ इफ़ यू फंगाई कॉज डिजीज आल्सो. तो ये जानना चाहता है कि फंगाई जो है क्या डिजीज कॉसेस कर रही है, क्या उससे डिजीज होते हैं. सो पहली टोल्ड हिम दैट मेनी फंजाई लाइक ईस्ट हो गए मशरूम्स हो गए आर यूजफुल. तो ये सभी क्या है, यूजफुल है हमारे लिए, बट सम फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. लेकिन कुछ फंजाई होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन्स हो गए, इंक्लूडिंग हम ह्यूमन को कर लो, राइट, प्लांट्स हो गए, ठीक है, और कुछ क्या हो गए हमारे कुछ एनिमल्स हो गए, ठीक है. तो इन सब में क्या कर रहा है, डिजीज कॉसेस करता है कौन, फंजाई. एंड सम फंजाई आर आल्सो यूज इन मेडिसिन, ठीक है. तो मेडिसिन फॉर्म में भी उसका बहुत फंजाई का यूज़ होता है. नाउ वी गॉट इट सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ सेल्टर एंड न्यूट्रिशन. तो कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं अपना सेल्टर और वो अपना न्यूट्रिशन. मीन सेल्टर मीन्स होता है कि जो रहने का जो आप प्लेस एक टाइप से कह सकते हो, ठीक है. तो वो सेल्टर हो गया आपका, सेल्टर और अपना न्यूट्रिशन जो है शेयर करते हैं एक साथ. देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. तो जो इनका रिलेशनशिप होता है वो सिम्बायोसिस कहलाता है, कि वो एक साथ रहकर अपना सेल्टर और अपना न्यूट्रिशन दोनों ही शेयर कर रहे हैं. तो वो सिम्बायोसिस कैटेगरी में आपके आ रहे हैं, उस कैटेगरी में आपको इंक्लूड किया जा रहा है उन्हें, राइट. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कुछ फंजाई जो होते हैं वो प्लांट्स में रूट्स में रहते हैं, ठीक है, इनसाइड द रूट्स के रहते हैं. एंड द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इट टर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन. तो प्लांट्स भी क्या करता है, फंगस को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. एंड फंगस क्या करता है, वो भी वाटर और कुछ सर्टेन न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स को चाहिए होता है वो सॉयल से प्लांट्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है. सो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, ठीक है. तो आपने लाइकेंस को देखा होगा, लाइकेंस ये काम करता है, ठीक है. तो लाइकेंस का और प्लांट्स का बहुत ही मेन रोल है यहाँ पर, ठीक है. तो लाइकेंस जो है प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, तो आपका जो लाइकेंस भी है वो भी क्या करता है कि क्लोरोफिल कंटेन करता है पार्टनर से, ठीक है, विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लाइफ लिव टुगेदर, ठीक है. तो जो एक एल्गा होते हैं, फंगस होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी टुगेदर रहते हैं और क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं प्लांट्स से, क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करके अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं, ठीक है, और प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है. एंड फिर क्या करते हैं कि द फंगस प्रोवाइड सेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन टर्न रिटर्न टू एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस. तो ये भी क्या करते हैं, वाटर वगैरह और भी जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन फॉर्म में वो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स क्या करता है, लाइकेंस को प्रोवाइड करता है. ओके, सो एंड द लेक्चर. आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा मोटा मोटा जो सेप्रोफाइट से टर्म मैंने स्टार्ट किया था और लास्ट तक आपका सिम्बायोसिस और लाइकेंस तक मैं लेकर आई हूँ वो सब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, राइट. सो अगर जो आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और मेरे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है. सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल. सॉरी, यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं, रिप्लेनिस्ड है, राइट. तो रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे. सो एंड द लेक्चर. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.